ऐसे भाई ये तो बहुत ही बड़ा हो गया एक्सीडेंट, इसको पहले ऐसे करा। होली कल है, आज नहीं है। चाय पी ये चाय फीकी पीते हैं। सुधार जी को शुगर है क्योंकि मैं कंपनसेट कर रहा हूँ। देखो अभी मिर्ची वाला भी खाऊंगा और कंपनसेट करूंगा। शुगर है ना। मिर्ची बता, तुम्हारे घर आना हो तो गूगल पे डालो मोटे पहलवान दा घर। तो गुड मॉर्निंग है, सत श्री अकाल है। और ये भाई साहब देखो क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ गए हैं और ये पंप निकाल के ले आए हैं। पंप क्यों लाए हैं? कह रहे कल पापा होली है और सुबह सुबह स्विमिंग पूल ओपन कर देना बड़े सा और उसपे हवा भर देना, हम उस पे होली खेलेंगे सारे फ्रेंड्स के साथ। वो देखो ये पिचकारी लेके खड़ी हो गई है अभी से। ओए पानी मत डाल। तो अभी मैं जा रहा हूँ प्रनूर को ट्यूशन छोड़ने के लिए, इसको ट्यूशन छोड़ूंगा। मतलब अभी आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, दो दिन फुल हॉलीडे मूड है। इसके पेपर भी हैं और तेरे रिजल्ट की ईमेल आ गई है। 25 तारीख को तेरा रिजल्ट है और 25 को हम है ही नहीं। ओ भाई कोल्ड कॉफी कैसे बन गई, लाइट तो है नहीं। बर्फ डाल के बनाई है, क्या बात। अब बता भी दे। मैं हो चुका हूँ तैयार, ना धो के रेडी हो चुका हूँ। है तो छुट्टी का दिन फिर भी रेडी हो चुका हूँ। ये पहले इस तरफ सो रही थी आपने देखा था, अब उस तरफ सो रही है। मतलब आज ये छुट्टी के दिन ना सिर्फ सोएगी। और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने निकलवाया अभी ये है हवा भरने वाला इलेक्ट्रिक पंप। इसकी तार टूट गई है, इसका स्विच लगाएंगे और उसके बाद क्या खुराफाती करनी है वो आपको दिखाएंगे। मतलब आज होली की जो तैयारी है ना, कुछ नई खुराफाती होने वाली है। तो कीरत बाहर मेरा वेट कर रहा है, मैं कीरत दोनों जा रहे हैं। कीरत चलो, हम जा रहे हैं पहले 23 सेक्टर ये पंप रेडी कराने, फिर आके एक चीज करेंगे तुझे बताएंगे। क्या बताएंगे पता नहीं, स्कूल नहीं जाएंगे। स्कूल क्या स्कूल कुछ स्कूल नहीं, स्कूल कुछ नहीं होता। वो गिरेगी। ओ इधर आ, अभी तेरी मम्मी चला रही थी उस दिन ना, मैं बताता हूँ। इसका हैंडल जो टूटा था ना, उसकी स्टोरी पता क्या थी? हाँ इसका हैंडल टूटा था, मम्मी चला रही थी, यहाँ आके मम्मी ने ना वीली मारी, जैसे ही वीली मारी हैंडल को ऊपर किया तो हैंडल हाथ पे आ गया, मम्मी नीचे गिर गई। यहाँ पे मम्मी फिर नीचे गिर गई। भाई क्या पंगे ले रहा है, गाड़ी खराब हो जाएगी। वो लगाना है। क्या जो क्या बोलते हैं उसको, क्या गूगल मैप ये रहा नेविगेशन, यहाँ पे आएगा ना ये अज्ञा। तो हम लोग जा रहे हैं पहले 23 सेक्टर। भाई शीशा बंद कर दे जरा, एसी चला ले। तो हम लोग जा रहे हैं सीधा पहले 23 सेक्टर, वहाँ पे इसका ये पंप रेडी कराएंगे। पंप रेडी कराने के बाद हमारा क्या प्लान है, प्लान ये है कि जो स्विमिंग पूल है जो हमारा बड़े वाला, उसको फुलाएंगे और उसमें पानी भरेंगे। उसमें पानी भरने के लिए भी कम से कम 4 से 4.5 घंटे लगते हैं, इतना बड़ा है वो। मतलब दिखने में लगता है कि छोटा है बट बहुत बड़ा है। और अंकित प्रिया भी आ जाएंगे और फिर यहाँ पे होगा खूब फन और इंजॉय और फुल ऑन मजे, जो कहते हैं ना असली होली के मजे, वो आएंगे। तो अभी प्रीति को बोल के आया हूँ मैं, आते हुए तक तू रेडी हो जा। अगर वो रेडी हो गई तो आज शाम को भी हम कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाएंगे। मतलब घूमना तो आदत ही हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहेंगे। कितनी सारी गायें रोड पे आ गई है, देखो रोड ही जाम हुई हुई है। ये भी 23 सेक्टर घूम के आ रही है। 23 सेक्टर घूमने गई थी तुझे पता है किरत, गुजिया लेने गई थी। गुजिया मतलब मिठाई। अच्छा। उनकी भी तो होली है ना, तेरी होली है तो उनकी भी तो है। तो भाई आज प्रीति के बिना 23 सेक्टर आके ना बड़ा सूना सूना सा लग रहा है, क्योंकि 23 सेक्टर भी सूना हो गया। वो कह रहे हैं हमें आपको पसंद है, आप जाओ यहाँ से, पर हम भी जिद्दी है, काम करा के जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, हमने ठीक करने दे दिया प्लग, वो भी मिल रहा है आज। आप पिचकारी ले ली है, अभी जा रहे हैं कीरत को गुजिया दिलाने के लिए। ये पूछ रहा था ना गुजिया क्या है, तो गुजिया दिलाते हैं इसको। चल ये होती है गुजिया। हेलो कीरत, चलो आओ भाई साहब,
कीरत के लिए पहले ना रसभरी लेनी है, मतलब रसभरी में छोटी वाली रसगुल्ले। तो रसभरी तो यहाँ से मिल गई और गुजिया वहां से मिलेगी, वही छोटी वाली रसगुल्ली, गुजिया यहाँ से मिलेगी। दे वहां देते छोटी गुजी, ये फाड़ दे। चला किरत, वहां से डिब्बा मिल गया, वहां से पैक होगा। ये हमारा लल्लू लाल देखो क्या कर रहा है, कह रहा है स्टिकर दे दो भैया हाथ पे लगाऊंगा ओम स्वीट का, क्या ऐड कर रहा है उनकी। चलो वो भी हो गया होगा तेरा जो पूल का, उसको ले फटाफट, आगे वाली दुकान आगे। कीरत की पंप इसका ठीक हो गया है, अब जाके देखते हैं कि पूल कैसे भरेगा कि नहीं भरेगा। गर्मी इतनी हो गई है, गाड़ी में बैठती पहले फुल स्पीड में एसी चलाना पड़ता, एकदम गर्मी, एकदम मस्त वाली गर्मी हो गई है। कह रहा स्टिकर को भी लग गई, मस्त गर्मी हो चुकी है। तो अब हम सीधा निकलते हैं, पहले कोल्ड ड्रिंक ले लें, क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक ले लूं, कोल्ड ड्रिंक ले लेते। और कीरत ने ना इस पे मैप सेट कर दिया नेविगेशन में, वो ऐसा सेट हुआ है वो हट ही नहीं रहा, उसको हटाना पड़ेगा रीसेट करके। चलते चलते रास्ते में प्रीति का फोन आ गया था, कह रही है कि चिकन लेके आना। तो अब मैं चिकन फार्म पहुंच गया हूँ, यहाँ पे पैक कराएंगे चिकन सीख और चिकन, और उसके बाद वापिस जाएंगे घर कोल्ड ड्रिंक लेते हुए। मतलब आज प्रीति नहीं आई तो सामान की लिस्ट आई जा रही है कि सामान लेके आओ, सामान लेके आओ। ये ऑफ रोड हो गया बेटे, ऑफ रोड, ये वाली ऐसी जगह है जो थार को नहीं संभाल सकती है, थार ऐसी जगह है, थार पूरी हिलते जा रही है। वो देख कौन आया, हाँ भाई क्या कर ली है तू, कहाँ गई, लेने चिकन लेने आई है तू भी, है क्यों नहीं बताएगा, मुझे तो पता चिकन लेने आई है, बाय कर दे, बाय बाय। तो भाई चिकन भी आ गया है, चिकन सीख भी आ गई है। और पेट्रोल कितना आ गया, पेट्रोल जीरो हो गया, पेट्रोल भी डला देते, एसी चला के बैठा रहेगा तो पेट्रोल तो जीरो होगा ना। तो अब हम जा रहे हैं, अश्नीत भी मिल गया था हमें, सहमत भी मिल गई थी, वो भी यहाँ पे चिकन लेने आए थे। तो अब हम जा रहे हैं सीधा कहाँ, अब हम पहले सीधा जा रहे हैं पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप अब चलाएंगे गाड़ी हवाई जहाज की तरह, कैसे यहाँ पे आएगा किरत देखना कैसे उछलेगा। कुछ नहीं हुआ भाई, पता ही नहीं लगा गड्ढे कब आए और गड्ढे कब चले गए, है ना। तो हम सीधा घर जा रहे हैं, मैं नहीं पहले पेट्रोल पंप जा रहे हैं। पहले माँ सो रही थी, अब बेटी सो रही है, चाहते क्या हो तुम, माँ कहा है, हाँ भाई वो कहा है, भाभी कहा है, 4 बजे चाय पीनी है, पहले वो स्विमिंग पूल निकाल के लासी मैं, जल्दी लिया सीमा फटाफट हवा भरनी। ऐसे घर पहुंचा, रस्ते पे बबलू का कॉल आ गया था कि तू घर पे ही है तो मैं तेरे घर आ रहा हूँ। बबलू आप समझ गए ना अपने मोटे वाले पाजी, तो वो कह रहे मैं घर आ रहा हूँ, मेरे को तेरे पास चाय पीनी है। मैं कहा आजा भाई, मोस्ट वेलकम है। और मैंने प्रीति को बताया तो प्रीति फटाफट रेडी होने भाग गई, कह रही मैं तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो 4:30 बज गए हैं अभी तक तैयार होने का कोई नाम और निशान ही नहीं है। तो कीरत की जो ये जीप है इसको भेजते हैं वापस पीछे वाली साइड पे, बैक यार्ड पे, ये साइकिल वाइकल सब बैक यार्ड पे बेचते हैं अभी, ये मोटरसाइकिल भी। हाँ भाई आ गया, सीमा एक काम कर दे, इसकी मोटरसाइकिल और जीप सीमा को बोल दिया पीछे रख दे, और ये स्विमिंग पूल आ गया, रुक जाओ डब्बा फट जाएगा ऐसे। तो स्विमिंग पूल आ गया भाई, अभी देखने में तो इतना छोटा लग रहा है, जब खुलेगा तो आप देखना भाई, ये बहुत हैवी स्विमिंग पूल है, निकल ही नहीं रहा, ये चंदन भैया निकालते हैं, चंदन भैया ने फंसाया है, अब उसको कहाँ से लाएं, सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं चंदन कहाँ है, उसका जवाब भी आपको जो 12th मार्च वाला व्लॉग आएगा उस पे मिलेगा। मैं बता दूं? नहीं अभी नहीं बताना, वो बड़ा सरप्राइज है, तभी हाँ। बताएंगे, वो तो बड़ा ही सरप्राइज है, वो मेरा मन कर रहा है बताने का, नहीं बताना नहीं, बड़ा मुश्किल है यार तो निकालना, डब्बा खींचो सीमांत को पकड़ा दूं फोन, दीदी के रूम में रखा है, स्विमिंग पूल पैक करेंगे कल।
भाई बहुत मुश्किल से निकला है, हालत ही खराब हो गई। ये बताओ ना। तो पहले तो एक मिनट अकल लगा, इसको यहाँ पे लेके क्यों आई है? कहाँ पे जाती है? ये दरवाजा छोटा, ये कमरों के दरवाजे से निकलती, इतनी अकल तो लगा हर बार निकालती है। जब से भी आई गई हूँ मैं, जो अकल बची थी ना वो भी चलते चली गई। तो पहले थी नहीं, ब्लाइंड दिमाग था, खाली वाला ब्लैंक दिमाग था। इस पे बैठ के चला ले, ये नहीं पता यहाँ का दरवाजा छोटा है। कर रही है स्टाइल देखो, अबे आराम से निकालती, आराम से निकलती है। और लाइट टूट जाएगी, जैसे घुसी वैसे बाहर भी आएगी ना। निकल गई, अब डैडी के रूम से किसी रूम से बाहर ले जाओ उसको। ये बुलाऊं कि ना बुलाऊं? चलो सीमा जल्दी झाड़ू लगा ले पहले। सही है, बहुत सही, तूने मारा था ना पहले उसको। सीमा लगा रही है झाड़ू, और इधर लग गया, अब हम फुला लें। आओ भैया आओ, चलो चला भाई किरत पंप लेके आ। तो भाई ये रहा स्विमिंग पूल, आपको देखने में लग रहा होगा छोटा है पर ये बहुत ही मोटा है। चला के देखें एक बारी। इसको भरना भी ना बहुत जो है टफ जॉब है, आसानी से नहीं भरा जाता, जितना देखने में लगता है कि आसान है। ये बहुत मोटा है, आप किसी भी ब्लॉग को देख लो। चालू कर दी भैया, प्लग उतर गया वहां से, अब ले ले मजे। क्या भाई यहाँ पे कीरत का ना इतना सामान पड़ा है, ऊपर से प्रीति ने खूब सारा गंद मचाया हुआ है, एक दिन यहाँ मुझे लगना पड़ेगा सफाई के लिए। अब मैंने क्या प्लान करा है कि ड्राइंग रूम में चलते हैं, ड्राइंग रूम से इसको फुलाते हैं, ड्राइंग रूम के कोने में प्लग है एक। तो प्रभनूर मेहनत कर रही है बेचारी, इसमें हमको लेके आ रही है। पबुन दीदी कर रही है मेहनत। पबुन 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 दीदी देखो हमारा स्विमिंग पूल इतना बड़ा हो गया, डूब रहे हैं। ये दूसरे तीन लेयर है, बहुत लेयर है इसकी, तीन लेयर है, तीन। चंदन लास्ट टाइम चंदन भी थोड़ा सा उधर कर रहा हूं, इधर उधर, लास्ट टाइम चंदन भी आने खिला और कर बबू थोड़ा सा उधर। भाई ये अभी आपको लग रहा होगा ऐसी है, अभी तीन लेयर बची है इसकी, तीन लेयर सफाई भी करनी है, इसके पानी भर के सफाई करेंगे, पानी के भरने में भी आधा डेढ़ घंटा लग जाएगा। तू पागल है मतलब, ये देखो मेरी पिचकारी निकल गई, तो गाइस एक लेयर और भरनी है, और इतना बड़ा हो गया, बहुत काफी मोटा हो गया, एक एक इतना होगा, आप देख सकते हो एक लेयर और भरी जाएगी इस पे। एक लेयर तो पर इसकी एक चीज तो खराब हुई। क्या? अच्छा ये उल्टा रखा हुआ तुमने, मैं भी क्या उल्टा है, तो गाइस आप देख सकते हो हमारा स्विमिंग पूल पूरा भर चुका है। जैसे दीदी मेरी पवन दीदी ने कहा था वैसा ही हुआ है। फोटो ले, फोटो खींच रहे एक मिनट, तू इधर ही आ जा भाई, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, किरण इसको पहले ऐसे कर। हां गिर जाओगे आप पापा। पापा अरे भाई मिट्टी लग रही है तेरे हाथ में, ओ भाई पड़ जाएगा। आ आ आ डंडा उड़ गया, आ जाएगी भी पापा। वाइपर है वो, वाइपर को वाइपर है वो, उसको उसमें डाला हुआ है भाई। ये इतना गहरा स्विमिंग पूल है आप देख लो, हाँ दिखा पर आगे से तो ये साफ है, तू सीधा खड़ो यो, कीरत यहाँ तक आ जाता है, इस पर पानी भरे तो।
अब इसको भरेंगे। मैं पूरा डूब सकता हूँ यहाँ तक, मैं डूब जाता हूँ अंदर, ऐसे नहीं तो मैं डूब जाता हूँ। इसमें केला बंदा तो स्विमिंग कर सकता है, बट नहीं लेंथ नहीं आ रहा तो मैं स्विमिंग तो नहीं। तो बस सुबह पानी डालेंगे इस पे और फुल तैयार है। अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेलेंगे तो नीला किसी में धक्का मार देगा, सफाई भी हो जाएगी वो, है ना। अभी तो हमने खेलनी है। ओए मुंगेरी लाल, अभी मम्मी ऐसा पीटेगी ना तेरे को जो तू हरकतें कर रहा है। थोड़ा सा भर देते हैं। मुझे नहीं पता भाई, अपने आप पूछो मम्मी से। मेरा काम था सिर्फ पूल फुलाना, अब तुम्हारा काम है बाकी। तुम जानो, मैं जानो हाथ धोने के लिए। होली कल है, आज नहीं है। अरे जल्दी मेरे को पार्क में जाना है, कौन सा बंदा आ गया? काय के लिए? रचित। तो किस लिए आ गया वो? पिटने के लिए। तो रंग डालेगा तू सब पे क्या? अभी सारे बंदे मेरा मुंह देखो रंग। सारे बच्चे आ गए। भाई नीचे से पानी निकल भी तो रहा है। वो नीचे से निकल रहा है, क्या फायदा? तो भाई खाली होगी वो तो। अब ऊपर से निकल रहा है। तूने मेरे साथ रंग क्यों लगाया? अरे लोग लगा रहे हैं। तो उसको तो लगा नहीं जो अभी तेरे साथ आए थे दो बच्चे। वो अभी आया ना, अभी। प्रनूर कहाँ है? उसको क्या हो गया? मैं जा रहा हूँ बाइक। रंगों से खेलने का कौन सा मतलब है अभी? मैंने नहीं लगाए। तो जा क्यों रहे पार्क में? बदला लेने जा रहे। कौन सा तेरी खेती बाड़ी लूट ली उन्होंने? वो देखो बच्चे होली खेल रहे हैं पार्क में। अरे बेटा दो बच्चे नहीं बेटा। ये किसने किया? इसको किसने किया? हाय मेरे को मैं होली होली तो कल है। होली तो कल है। इनको पार्क में पानी मिल गया ना। हाँ दिख गया मुझे ये इन्होंने पाइप उतार दी है यहाँ से और पानी डाल रहे हैं। सब उधर चले गए बच्चे, देखो घर नहीं चले गए। हाँ प्रीति कह रही है अंदर बच्चों को कि यार वो छोटे बच्चे को ना गीला मत करना, और वो आके कह रहे हैं कि वो बच्चा ही तो सबको गीला कर रहा है। और एक चीज़ और बताऊँ, मम्मी थी ना वो मेरे को क्या करती थी, मैं होली खेलने जाता था तो मुझे रेनकोट पहना देती थी, कह रहे करो गीला इसको दबा के। मैं रेनकोट पहन के जाता था होली खेलने। ये भी सही है, सही आइडिया ना। होली का क्या मजा है? फिर होली का क्या मजा है भाई? अपनी तबीयत भी तो देखनी होती है। मतलब तुम तो फिर सूखे निकल आओगे? हम सूखे निकल आते थे। और वो उस टाइम पे ना, अब तो रेनकोट बड़े अच्छे अच्छे आ गए। उस टाइम पे पुराने जमाने में ना बात करो, बोरी वाला रेनकोट आता था ना जो भारी सा होता था। बोरी वाले में तो गीले होते हैं? गीले नहीं होते। नहीं बोरी वाला इन द सेंस वो मोटे टाइप का होता था, उसमें कोई गीला ही नहीं होता था। वो बहुत बढ़िया चीज होती थी। रंग लगाओ और खेल के आ जाओ। ये पिचकारी अभी फेंक के गया। गाड़ी आ गई स्पोर्ट्स गाड़ी। इसके एग्जॉस्ट की साउंड सुनो। एक बंदा उतरा है, ये गाड़ी की चीखें निकल रही थी। चीखें निकल रही थी बेटे। एक बार पहले वो बजा ना उसकी चीखें तो बजा। गाड़ी की चीखें निकल रही है, शर्म नहीं आती तेनू? क्या कह रहे तू? होती रहती है। तो बाहर अंदर आवाज आ गई थी, स्पोर्ट्स गाड़ी आ गई है। साहब ये भाई साहब 4:30 बजे के आ रहे थे, 4:30 बजे चाय पीने आ रहे थे, और अब ये 7 बजे दूसरी चाय पी रहे। क्या कह रही है तू? बता क्या कह रही है? हाँ बोलो भाई, तुम बोलो। कहाँ जाना है ये बता। सब कुछ रुकवा कर आपकी बात सुन रही हूँ। अच्छा अब सुन मैं क्या बोलता हूँ बबलू। मैं नजदीक की बोल रही है। जिम आज तो 3 दिन पहले दिन गई थी। उसे जिम वाला भी कहता है कि आप मैडम यहाँ फोटो खिंचवाने और रील बनाने आए हो। वो खिंचवा के करके वापस आ गई। आज 4 दिन हो गए गई नहीं। रोल भैया तीसरा दिन तो आज का काउंट हो गया ना। तो गई तो नहीं। नहीं इतवार को गई थी। इतवार तो हॉलीडे होती है। कल मैं बच्चों के लिए मार्केट चली गई। आज भी जा रही थी। शनिवार से कभी स्टार्ट ही नहीं करते वैसे काम। मैंने करा पहले से हुआ है। दो महीनों में भी एक दिन गई है। दो महीने पे ब्रेक ले ली वीर जी। जलो नहीं। और ऐसा सुन एक चीज और। अच्छा प्रीति एक दिन होके आई है। एक दिन होके आई है और कहती है मेरा को इम्प्रूवमेंट हो रही है। मेरा वजन 5 किलो कम हो गया है। पेट साफ हो गया है ना।
सारी चीजें रोक के, वही तो कह रहा पेट साफ हो गया और क्या बोला। आप बंद करो अभी इसको, हम बैठे हुए ना, फैमिली बैठी है ना, बात कर रहे हैं। तो ये जो देख रही है वो भी फैमिली है, वो तो है ही है। चलो बेटा, अरे चाचा जी चुनमुन स्कूल। चुनमुन स्कूल चाचा केड़ा वो जॉली, मैं सी खन्ने के स्कूल जॉली है। क्यों अंडे मारेगी होली पे, शर्म नहीं आती? फिर अंडे की भुर्जी बनाएगी, किसको खिलाएगी? रोटी तो पार्क में फ्री है। तो क्या हम फ्री है तो क्या हो गया, वो फ्री वाली नहीं खानी है उन्होंने, तो खानी है उसने, मेरे को पहले बोला मैं खाऊंगा। अच्छा फिर ठीक है। आ भाई भूत, सत श्री अकाल तो करते हैं। ये एक और भूत नहीं आई, ये साफ है, मैं साफ नहीं हूं। आओ जी सर, एक और आई है, कह रही कुछ आई थी। मजा आया होली खेल के? कुछ हुआ ही नहीं, चलो एंजॉय करो, चाहो अब ना के आओ। ये चाय पीएंगे, चाय पी, ये चाय फीकी पीते हैं। सरदार जी को शुगर है, क्योंकि मैं कंपनसेट कर रहा हूँ। देखो अभी मिर्ची वाला भी खाऊंगा और कंपनसेट करूंगा। शुगर है ना, गुजिया भी खा ली। नहीं मैंने नहीं खाया। शुगर का सबसे अच्छा इलाज मैं बताता हूँ कि आप लोग दबा के 2-3 किलो रसगुल्ले खाओ और फर्स्ट क्लास हो जाओ। बंदा चाहिए, थैंक यू, आई लव यू सोनूया। ये छोटा सा है चूपा, हम चूपा नाम आ रहा, 2 दिन किसी कुटिया, 2 दिन तो लंबी कुटिया। हम लाए होम स्वीट से तो अच्छी नहीं है इनकी, अच्छी है। ऐसा करके बोले मैं पैसे ना लेना है, ये दोनों कोई आके देना है तो फ्री का माल मिलना रहता है। मेहनत की कमाई आती है। अच्छी बता, तुम्हारे घर आना हो तो गूगल पे डालो मोटे पहलवान का घर, बकवास तू डाल के देख ले। आ गया तू उसकी हर बार बार मान जाती। इसने बोला मोनू ये वो नहर जाती है जो पंजाब में, इसका पानी वहाँ जा रही थी, कह रही पानी इतना नीला कैसे है। मोनू कहते तुझे नहीं पता पागल, इसने नीली टाइलें लगी होती और टाइलें जोड़, और वो मान गई टाइलें जोड़। ये मेरे साथ शादी के बाद पहले बार कोटा गई, कोटा मैंने कहा चंबल गार्डन में ना 5 रुपए में मगरमच्छ के ऊपर बैठा के सवारी करते हैं, ये मान के करी हाँ मैं मगरमच्छ की सवारी करूंगी। वो चीज का नहीं पता था, ये टहल गई। देखो ये पता मगरमच्छ के ऊपर सवारी, वो चीज मेरे लिए क्या शुरू हुआ क्या क्या मैं ग्लास तोड़ दूंगी मुंह पे, तो तोड़ दे। जिम तो फोटो खिंचाने जाती है इसको बंद। ओ भाई बच्चे 3 पॉइंट, चलो भाई चलिए, चलो ओके भाई बाय बाय। तू खुद डरती है, सिफ्टी की डरती है। ओके भी बाय बाय भाई, एग्जॉस्ट सुनो एग्जॉस्ट, मैं जिसलिए आया हूँ एक बार और, एक बार और, एक बार और दी रेस दे, रेस दे। हूं तू ऐ चीज देख, हट हूं तू ऐ चीज देख, रोक है ऐ देख, तू देख कह रहा सी कि सिलेरियो ले दो, ऐ दोनों की में बैठ के अगली सीट दे, एक पीछे क्रॉस बैठना पेगा। तो भाई आज हमारा खुल चुका है स्विमिंग पूल, और कल होने वाली है धमाल होली, आपको बहुत मजा आएगा। और मैं बड़ा खूबसूरत
और इसी को ये पहन कर जाओ। कुछ आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना। हर वीक की नोटिफिकेशन आ जाएगी। पानी में डुबकी मारने की प्रैक्टिस।